भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया में हुए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से वापस लौट चुकी है। भारतीय टीम पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही थी। पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाने हुए फाइनल में पहुंची टीम खिताब जीतने में नाकाम रही, जिसके बावजूद देश भर से खिलाड़ियों का समर्थन किया गया था। हालांकि यह समर्थन एयरपोर्ट पर नहीं दिखा, जहाँ भारतीय टीम का स्वागत करने कोई नहीं पहुंचा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें भारतीय महिला टीम के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से वापस आते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर दिखी। हालांकि हैरान करने वाली बात है कि टीम का स्वागत करने के लिए ना तो कोई फैन मौजूद था और ना ही मीडिया वाले। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के अलावा बल्लेबाज वेदा कृष्णमूर्ति और गेंदबाज राजेश्वरी गायकवाड़ दिखी थी। सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। हार के बावजूद शायद टीम के खिलाड़ी उम्मीद कर रहे थे कि फैंस उनके स्वागत के लिए पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि तस्वीरें वायरल होने के बाद फैंस ट्विटर पर जरूर टीम को अपना समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैंस ने BCCI को निशाने पर लेते हुए कहा कि टीम एक अच्छे स्वागत की हकदार थी, जो BCCI ने नहीं किया। भारतीय टीम के किसी भी खिलाड़ी के लिए अभी तक किसी तरह के इनाम की घोषणा भी नहीं हुई है, ना तो BCCI ने और ना ही किसी राज्य सरकार ने अब तक ऐसा कोई ऐलान किया है। यहां तक कि खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए प्रख्यात हरियाणा ने भी अब तक 16 साल की शेफाली वर्मा के लिए किसी तरह के इनाम की घोषणा नहीं की है, जबकि वह टीम की सबसे बड़ी स्टार साबित हुई थी। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से ज्योति की रिपोर्ट।